देखो पिछले क्लास में तुम लोग को सिखाए थे ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम तुम लोग को सिखाए थे हाईलाइट रूल्स। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हाईलाइट रूल्स में कुछ और चीज। जैसे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हम लोग पिछले क्लास में हाईलाइट रूल्स का पूरा ये बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या काम करता है इसके बारे में बताएंगे। टॉप एंड बॉटम रूल्स जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि कितनी तरह का ऑप्शन दिया हुआ, जैसे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, यहां पर कुछ ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग इस हर ऑप्शन को बढ़िया से सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए टॉप बॉटम रूल्स और सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉप 10 आइटम्स और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम टॉप 10 आइटम्स के ऊपर क्लिक करते हैं यहां पर देख सकते हो तुम लोग के पास में एक बॉक्स खुल चुका है। यहां पर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम ड्रैग करके बीच में ले आए हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप 10, माने 10 सेल को ये फॉर्मेट करेगा, मतलब किस कलर से हाईलाइट कर देगा, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, माने इसका बॉर्डर को वो लाइट कलर देगा और टेक्स्ट जो लिखा रहेगा उसको रेड कर देगा, हाँ रेड कर देगा, डार्क रेड। तो हमको मान लो कि टॉप 10 नहीं जानना है, हमको जानना है कि टॉप 3। नॉर्मली अगर हम लोग रिजल्ट वगैरह बनाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को वही ना देखना है, तो टॉप 3 अगर जानना है तो यहां पर क्लिक करके इसको टॉप 3 कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, अगर इसको कम करना है तो नीचे वाला क्लिक करेंगे तो यहां पर ये कम हो जाता है और ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा। इसके अलावा हम कीबोर्ड से यहां टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करने के लिए क्लिक करके इसको डिलीट कर दिए और हमको टॉप 3 देखना है तो 3 वहां पर टाइप कर दी। 3 टाइप करने के बाद यहां सभी को नजर आ रहा होगा ओके बटन, इस ओके पर क्लिक करना है। चलो इस ओके बटन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पर हम क्लिक करते हैं अभी देखो कुछ भी हाइलाइट्स नहीं हुआ है क्योंकि हम कुछ सिलेक्ट किए ही नहीं। तो इसीलिए अगर हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 जानना है तो टॉप 10 किस में जानना है, नंबर में जानना है, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमको इसमें जानना है कि टॉप 3 क्या क्या है, टॉप 3 अमाउंट, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएंगे, टॉप 10 में क्लिक करेंगे और यहां पर जैसा कि अभी तुम लोगों को बताएं इसको हम लोग मिटाकर इसको 3 कर देते हैं। जैसे हम 3 किए और इसको ओके करेंगे, जैसे ही हम ओके करते हैं ये देखो ये टॉप 3 यहां पर देख सकते हो, ये टॉप 3 को ये हाईलाइट कर दिया है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 9800, 8500, 7500 ये हमारा लिस्ट में टॉप 3 आइटम्स है। उसका क्या बैकग्राउंड कलर होगा और क्या उसका टेक्स्ट कलर होगा देख सकते हो, जो वहां था रेड वो रेड ही यहां पर कर दिया गया। सबको समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग टॉप 3 को कर लिए, टॉप 4 कर सकते हैं, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 100, जितना तुम्हारा डेटा है यहां से सिंपली 100 जितना भी डेटा है यहां से हम लोग टाइप करके इजिली कर सकते हैं, जितना हमारा रहेगा वहां पर जान सकते हैं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 2। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? अच्छा, यहां से कलर वगैरह जैसे हम लोग पिछले क्लास में चेंज किए तो वैसे कर सकते हैं, येलो ले सकते हो, देखो येलो हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्रीन भी ले सकते हैं। सर कस्टम कस्टम कैसे करें, कस्टम फॉर्मेट? और इसके लिए पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, सभी को क्या कर लेना है, सिलेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप 10 में जाएंगे यहां पर, और यहां पर हम लोग जो भी कलर चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप रूल्स, टॉप 10 आइटम्स यहां पर गए, और यहां पर हम लोग को टॉप 3 चाहिए तो 3 करेंगे। देखो यहां पर देख सकते हैं जब 3 किए तो 3 हो गया, दिखाई दे रहा ना। अब यहां पर मिटाकर हम लोग
इसको अगर वन करते हैं तो केवल एक ही हाईलाइट होगा, ओके। और ये एक पहले से तीन करके रखे, तीसरे तीनों दिखा रहा है। अगर हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं, जैसे टॉप वन में कौन है अगर ये जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वन टाइप कर देंगे, वन, और कलर उसका अलग रखेंगे, जैसे येलो कर दिए, ओके। अब देखो दिखाएगा टॉप वन, टॉप वन कौन है यहां पर, पांडे, सुशील पांडे 9008 है, इसका कलर चेंज कर दिए थे, समझ में आया। तो और बाकी जो टॉप टू, जो टू एंड थ्री है, उसका कलर रेड लिए थे, उसमें वो रेड आ रहा है। सिटी का सिलेक्ट, चलो देखते हैं। एक स्टूडेंट का डिमांड है कि अगर इस सिटी को सिलेक्ट करके हम लोग टॉप टू या टॉप थ्री का इस्तेमाल करते हैं तो क्या दिखाता है। हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं और टॉप टेन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं टॉप थ्री, तो टॉप थ्री करके इसको ओके करते हैं, तो देख सकते हैं किसी भी सेल्स को हाईलाइट नहीं किया। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि टॉप एंड बॉटम रूल्स ये जो है ये केवल नंबर में काम करता है, टेक्स्ट में नहीं काम करता है। क्लियर सबका, चलो आगे हम लोग सीखते हैं। अब टॉप 10% इसको जानने से पहले ये जो हम इसका कलर चेंज करके रखे हैं इसको हम ठीक कर देते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड दबाकर अंडू करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिस तरह से ये काम कर रहा था टॉप बॉटम रूल्स में, टॉप 10 आइटम्स, उसी तरह से टॉप 10% भी काम करेगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर टॉप 10% में यहां 10 है, 10 को हटाकर हम लोग उधर 1 ले लेते हैं या फिर 3 लेते हैं, 3। और यहां से कलर ले लो येलो, देख सकते हो कि टॉप 3 में केवल एक ही हाईलाइट है, क्या है, 9800, और किसी को यह हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो टॉप 10% में 10 में से सबसे ज्यादा परसेंट इसी का है, ठीक है, और कोई नंबर का परसेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद में इसको भी अंडू करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे बॉटम 10 आइटम्स, जैसे टॉप 10 आइटम्स जैसे काम कर रहा था उसी तरह से बॉटम 10 आइटम्स काम करेगा। ये पीछे से दिखाएगा, उल्टा कैसे काम करता है दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएंगे और बॉटम 10 आइटम्स को क्लिक करेंगे। अब यहां से अगर हमको 10 लेना है तो 10 रखेंगे, और अगर हमको कम करना, जैसे हम 3 जानना चाहते थे, इसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद यहां पर 3 टाइप कर दिए। 3 टाइप करने के बाद इसका कलर कौन सा लेंगे, हम लोग इस पर ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन कलर लिए और इसको ओके करेंगे। ये ओके बटन देख सकते हैं कि बॉटम 3 जो है उसका कलर यहां पर ग्रीन करके दिखा रहा है, ठीक है। जैसे अब इसमें सबसे कम किसका है अगर ये जानना है तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बॉटम 1 यहां पर जाएंगे और बॉटम 10 यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर 1 टाइप कर देंगे, इस जगह में 1 कर दिए। 1 करने पर उसका कलर कुछ और ले लेंगे, जैसे हम लोग उसका ले लेते हैं येलो, और इसको हम लोग ओके कर देंगे। देख सकते हैं ओके करने के बाद सबसे कम जो है वो येलो कलर का नीचे में हाईलाइट हो गया, 1200। किसका है, राकेश नोनिया, बोलो सबको आया कि नहीं समझ में। तो ये बॉटम 10 हो गया। बॉटम 10 के बाद आगे देखो, जल्दी जल्दी इसको सिखाते हैं बच्चा लोग। उसी तरह से इसको अंडू करके पहले जैसा था वैसा कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग को मिल जाता है, यहां पर आगे हम लोग को इस जगह में मिलता है बॉटम 10%। जिस तरह से ये टॉप 10% काम कर रहा था उसी तरह से बॉटम 10% काम करेगा। तो इस पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं, जैसे बॉटम 10 में कौन सा कलर चाहिए, जैसे यहां से हम 1 ले लेते हैं और हमको कलर चाहिए रेड ही रखते हैं, ओके। सबसे कम किसका है, किसका है, देखो राकेश रोनिया, ये इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखो बॉटम 10 के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिलता है एबव एवरेज। क्या है, एबव एवरेज। ये एबव एवरेज क्या है, देखो क्लिक करेंगे और फॉर द सिलेक्टेड रेंज हम लोग यहां से कलर ले लेंगे ग्रीन कलर, एबव एवरेज। देखो ये
यानी सबको टोटल कर लिया गया, टोटल करके इसका एवरेज निकाला गया, एवरेज से जिसका ज्यादा है देखो उसको ग्रीन कर दिया गया। कैसे ये हुआ देखो, इसको समझाने के लिए इन सबको सिलेक्ट करके हम इसका टोटल निकाल लिए। टोटल निकालने के लिए सिलेक्ट किए, यहां पर देख सकते हो सिग्मा बटन है जिसको हम लोग ऑटो सम्स बोलते हैं, दिखाई दे रहा सबको, इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए देखो इसका टोटल आ गया कितना आया 40,190। अब टोटल मेरा 10 एंट्री है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहां पर हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू और 40,190 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज कितना आया 4,019। तो जिसका जिसका 4,019 से ज्यादा है देखो उसको ग्रीन कर दिया, ये अबव एवरेज, समझ में आया। तो टोटल करके उसका ऑटोमेटिक वो लोग एवरेज निकाल लिया और एवरेज से जो बेसी है उसको वो कलर चेंज कर दिया, क्लियर सबको। अब वहां पर एक दूसरा ऑप्शन है वो भी दिखाते हैं। इसी तरह से यहां पर टॉप एंड बॉटम रूल्स में हम लोग को मिलता है बिलो एवरेज, क्या ऑप्शन मिलता है बिलो एवरेज, यानी कि एवरेज से जिसका इसका कम है उसको हाईलाइट करेगा 4019 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग बिलो एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं, बिलो एवरेज के ऊपर क्लिक किए, यहां पर आ गया मेरा कौन से कलर से हाईलाइट करना है, यहां से कलर ले लिए येलो, ओके कर दिए। देख सकते हैं कि एवरेज से कम जो जो है वो येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। तो ये हुआ बिलो एवरेज। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे क्या है वो बताते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट हम लोग को मिलता है डेटा बार्स, तो इसको यूज करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, पूरा अपना डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में गए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डेटा में जा रहे हैं उसका कलर चेंज हो रहा है, हो रहा ना, कौन सा है ये बार के हिसाब से हम लोग को समझाया जा रहा है कि कौन सा अधिक है। इसको हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिए, पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद ये नंबर के साथ काम कर रहा है। जैसे हम ये पिंक वाला पर क्लिक कर देते हैं, ये डेटा बार्स जो है देख सकते हैं कि कलर से हमको समझा, जो कलर ज्यादा आगे तक गया हुआ, जैसे ये वाला देख सकते हैं ज्यादा आगे तक गया हुआ, यानी कि ये ज्यादा है सबसे अधिक है, और जो कम है जैसे कि ये वाला देख सकते हैं एकदम कम है 1200, ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये होता है डेटा बार्स, हम लोग कलर देकर भी समझा सकते हैं। इसमें पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, जहां जहां नंबर है ऑटोमेटिक एक्सेल जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको कलर देकर समझाने में मदद करता है। तो समझ में आया डेटा बार्स सभी को, डेटा बार्स क्या काम करता है। डेटा बार्स के बाद नेक्स्ट हम लोग को मिल जाता है कलर स्केल। ये कलर स्केल जो है इसको यूज करने से पहले हम लोग पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे ही कलर स्केल में जाएंगे देख सकते हैं यहां पर कलर भी अपने आप दिखा रहा है, हर कलर से इसको हाईलाइट कर रहा है। किसी भी कलर पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक कर दिए ये देख सकते हो कलर स्केल। अब कलर स्केल जो है किसी को कलर किया है और किसी को कलर नहीं किया है, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो समझ में आएगा जो सबसे ज्यादा है उसको कौन सा कलर लिया गया है। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा डीप रेड में लिया गया है या ऑरेंज भी कह सकते हैं, और जो इससे कम है देखो उसका कलर लाइट हो गया 8500, उससे कम है उसका 7500 यहां पर हुआ, ठीक है। और जो थोड़ा सा उससे कम उसको व्हाइट रखा है, उससे कम को व्हाइट रखा है, और जो थोड़ा और कम है जैसे यहां पर उसको लाइट ब्लू और इससे हल्का ब्लू, फिर जाके ये वाला किया, फिर ये वाला किया, और फिर ये वाला, मैंने ये वाला एवरेज से नीचे है इसलिए तीनों को एक ही रंग रख दिया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था कलर स्केल। अब कलर स्केल के बाद आइकॉन वाला आता है, इसको समझाने से पहले इसको पहले हम हटा देते हैं। हटाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, ये अंडू होकर हट जाता है। पूरा डेटा को हम फिर से सिलेक्ट कर चुके हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आइकॉन सेट्स में जाएंगे। यहां देखो इसमें आइकॉन्स लग गया, इस तरह से आइकॉन्स लगा सकते हो। ये वाला तो आइकॉन्स ऐसा लग रहा है जैसे कि लूडो खेलते हैं और लूडो में जो छक्का पुटा के स्टेशन आता है ना, वो स्टेशन की तरह लग रहा है। तो जिसको जैसा आइकॉन से इसको हाईलाइट करना है, इसको हम लोग यहां से आइकॉन्स लेकर हाईलाइट कर सकते हैं। ये आइकॉन्स भी अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है। जैसे ये पहला वाला आइकॉन्स हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो भी आइकॉन्स है आइकॉन्स को लेकर भी इसको हाईलाइट किया जा सकता है।
यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह से मोबाइल का टावर का सिस्टम है, इसको क्लिक करेंगे जिसमें ज्यादा टावर पकड़ रहा है समझो कि वो ज्यादा है, जिसमें कम टावर है वो समझो कि वो कम है। तो ये आइकॉन्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज हम तुम लोगों को देखो यहां पर पूरा बता दिए, हाईलाइट सेल्स रूल्स ये तो पहले क्लास में हुआ था, टॉप एंड बॉटम रूल्स बता दिए, डेटा बार्स बता दिए, कलर स्केल्स बता दिए और आइकॉन सेट्स भी बता दिए। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है डेटा को इजी करने के लिए, ताकि समझ में आसानी से आ जाए इसका इस्तेमाल एक्सेल में किया जाता है। जस्ट क्लिक करने से ही ये काम करता है, इसके लिए हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो सबको समझ में आया? तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।